नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। रफाल जैसे लड़ाकू विमानों को लेकर भारत अपनी सरहदों को लगातार मजबूत करने में लगा है। इधर चीन और पाकिस्तान आपस में ड्रोन ड्रोन खेल रहे हैं। सीमा पर चीन और पाकिस्तान का नापाक गठबंधन भारत के खिलाफ एक और साजिश रचने में जुटा है। एक प्लान के तहत चीन पाकिस्तान को हथियारबंद ड्रोन देने जा रहा है और ये ड्रोन जासूसी करने के साथ टारगेट को उड़ाने की क्षमता भी रखते हैं। चीन अपने पड़ोसी मुल्कों को परेशान के लिए इसका जमकर इस्तेमाल करता रहा है। अब शी की सेना इमरान की फौज को भी यही पाठ पढ़ाने जा रही है और इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों की साजिश का निशाना भारत है। चीन ने फिर दिखाई पाकिस्तान से यारी। इमरान को मिला किलिंग ड्रोन का तोहफा। सरहद पर जासूसी के साथ बमबारी की साजिश। भारत की तैयारी पड़ेगी दोनों पर भारी। छोटे विमान की तरह दिखने वाले इस हथियार का नाम है CH-4 UCAV, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। ये एक तरह का ड्रोन है जो बड़ा शक्तिशाली है, जासूसी भी करता है और मौके पर हमला भी कर सकता है। इसका निशाना अचूक है, शोर करता है और किसी भी कोने में जाकर सकुशल वापस लौटने की क्षमता रखता है। जल्द ही चीन की तरफ से ये सौगात पाकिस्तान को मिलने वाली है। इस बात को सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की ताकत का आधार चीन से उधार में मिले पैसे और हथियार है। इसमें टैंक, मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद चीन की तरफ से पाकिस्तान को एक साजिश वाला हथियार भी मिलने वाला है। ये एक तरीके का ड्रोन है जो कि हथियारों को भी लेके जा सकता है। खास बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक है। पाकिस्तान को चीन से CH-4 UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल मिलने वाला है। ये एक तरह का हथियार बंद ड्रोन होता है जो जासूसी के साथ हमला करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन इसी साल पाकिस्तान को मिल जाएगा। CH-4B UCAV यानी कि एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होता है, जैसे कि एक ड्रोन होता है। अब इस व्हीकल की खूबसूरती यह है कि ये एक बहुत ही छोटा सा ड्रोन जैसा होता है, इसमें पायलट की जरूरत नहीं है और इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हम लगा सकते हैं जिसकी GPS सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम इतनी एक्यूरेट है कि ये जब किल करता है तो वो 100% सही होता है। ड्रोन हमले के लिए ये बिल्कुल मुफीद साबित होते हैं। ये मिसाइल और बम से लैस हो सकते हैं और दूर बैठकर इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ईरान और सीरिया में हमले के लिए ऐसे ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया गया था। अब पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि हवा में उड़ने वाला ये हथियार उसे मिल जाए। इसके लिए पाकिस्तान की एक टीम ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। ड्रोन के फाइनल टेस्ट के समय पाकिस्तान की टीम फैक्ट्री में मौजूद थी। पाकिस्तान ने अपनी जरूरत के मुताबिक ड्रोन में कई बदलाव भी किए और पाकिस्तान की जरूरत एक ही है, भारत का ज्यादा से ज्यादा नुकसान। इसके लिए चीन और पाकिस्तान में
अंतिम बात हो चुकी है। CH-4B UCAVs का उपयोग पाकिस्तान कई तरह के एयर वॉरफेयर के लिए कर सकता है, जैसे कि कोई भी बैटलफील्ड अटैक करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, कोई भी ऐसा मिशन जो कि वो चाहता नहीं है कि पता चले, क्लैंडेस्टाइन मिशन, उसके लिए भी वह यूज कर सकता है। कई और तरह के हमलों के लिए वह यूज कर सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि चीन जितना कहता है उतना इसकी काबिलियत है नहीं। कई बार इसने पहले भी काफी कंट्रीज को ये इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर चुका है, जैसे कि इराक, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, बट इन सब कंट्रीज में कहीं ना कहीं इसके बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। और इसलिए हमें इतना डरना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान इसका हमारे तरफ कोई उपयोग कर पाएगा, ऐसा हमें नहीं लगता। भारत राफाल लड़ाकू विमान जैसे आकाश के बाहुबली को पहरे पर बैठाकर अपनी सीमा को चाक चौबंद कर चुका है, जिसके आगे न चीन का J-20 टिकता है और न ही पाकिस्तान का F-16। अब ये देखिए कि इसके जवाब में चीन और पाकिस्तान ने क्या रास्ता निकाला है। वो चोरी चोरी चुपके चुपके भारत की जासूसी करने का हथियार जमा कर रहे हैं। इससे फर्क समझा जा सकता है। माना कि CH-4 UCAV ड्रोन हमला करने में सक्षम है, लेकिन ये राफाल तो छोड़िए, जगुआर और Sukhoi-30 के सामने भी कहां टिक पाएगा। चीन से उधार में मिले पैसे और हथियारों के दम पर पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटा है। चीन की शह पर पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कराची के पास पाकिस्तान का एक नया एयरफोर्स बेस बन रहा है। काम 3 साल से चल रहा था, लेकिन भारत के साथ तनाव को देखते हुए चीन के इशारे पर अचानक वहां काम में तेजी भी आ गई और कुछ बदलाव भी किए गए। माना जा रहा है कि बदलाव चीन के कहने पर किया गया है, लेकिन समय रहते पाकिस्तान की ये चोरी पकड़ी गई और सब कुछ दुनिया के सामने आ गया। ये सैटेलाइट इमेज सबूत है पाकिस्तान के गुनाह का। ये तस्वीरें गवाह हैं चीन और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ साजिश। क्या है वो गुनाह, क्या है वो साजिश, ये समझने के लिए आपको आज से 3 साल पीछे चलना पड़ेगा। December 25, 2017, हाँ यही वो तारीख है जब पाकिस्तान ने कराची के पास भुलारी में अपने नए एयरफोर्स बेस की शुरुआत की थी। मकसद तो कुछ और था, लेकिन बदलते वक्त और पाकिस्तान की बेईमानी के साथ ये एयरफोर्स बेस चीन की साजिश का अड्डा बनता चला गया। कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसी कराची के पास में एक जगह है भुलारी। भुलारी में दरअसल पाकिस्तान ने शुरुआत में अपना एयरबेस बनाने की तैयारी की और इसके बाद धीरे धीरे इसने यहां अपने परमाणु हथियारों को रखने की भी व्यवस्था शुरू कर दी और इसके लिए इस भुलारी एयरबेस को पूरी तरह से तैयार भी किया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही यहां चीन के लड़ाकू विमानों की भी तैनाती होने लगी। दिसंबर 2017 में पाकिस्तान ने भुलारी एयरबेस पर काम शुरू तो कर दिया, लेकिन आगे चलकर इसका भी वही हश्र हुआ जो पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट का होता रहा है। काम शुरू हुआ और चलता रहा। कभी बजट का अभाव, कभी सेना और सरकार में तनातनी, कई वजहों से इस एयरबेस का काम सुस्त पड़ता गया। लेकिन जैसे ही भारत और चीन में तनाव बढ़ा, हमेशा की तरह पाकिस्तान की चांदी हो गई।
भारत को परेशान करने की एवज में चीन से रुपयों से भरे बक्से इमरान खान के पास पहुंचने लगे और पाकिस्तान के इस एयरबेस की तस्वीर अचानक से बदल गई। पैसा चीन का तो काम भी चीन के मुताबिक। फिर पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर एक साजिश रची गई। पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस को परमाणु बम बेस में तब्दील कर दिया गया। यहां चीन से मिले J-17 लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर दी गई। पहले यहां अमेरिका से मिले F-16 विमानों की ही तैनाती होनी थी। इसके लिए परमाणु बेस पर परमाणु हथियारों के जखीरे के लिए भी गोदाम बनाए गए और माना जाता है कि ये सारे बदलाव चीन के इशारे पर किए गए। भुलारी एयरबेस के ऊपर चीन का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो है चीन का जो तेल का रूट है ईरान से लेकर के ग्वादर पोर्ट और ग्वादर पोर्ट से लेकर के अरेबियन सी से होते हुए फिर पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि सिंजियांग प्रोविंस तक किस किस तेल को लेकर जाएगा इसको अपने इस पे हावी होने से मतलब रखता है। और भुलारी भी एयरबेस जो अभी बनाया गया है जिसके अंदर परमाणु बम रखने तक के शेल्टर बना दिए गए हैं और जिसकी सुरक्षा 3 लेयर में कर दी गई है ये साफ जाहिर करता है कि चीन की मंशा अरेबियन सी से लेके ओमान की खाड़ी से लेके पर्शियन गल्फ तक अपने तेल को सुरक्षित तरीके से जो है रास्ता देने का है। पाकिस्तान का ये बेस भारत की गुजरात सीमा के करीब पड़ता है, साथ ही ये अरब सागर के भी पास है। भौगोलिक दृष्टि से ये काफी अहम है, लेकिन चीन की चाहत पर इमरान खान ने इसे शी जिनपिंग के हाथों का खिलौना बना दिया। ये सैटेलाइट इमेज 8 अगस्त की है जिसमें हर चीज साफ साफ देखी जा सकती है। इसमें लड़ाकू विमानों के शेल्टर साफ देखे जा सकते हैं। ऐसे ही एक नहीं कई शेल्टर बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, एयरबेस पर शेल्टर बनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर बने ये शेल्टर अलग है जो कई सवालों को जन्म देते हैं। पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस के लड़ाकू विमानों के शेल्टर को एक छद्म आवरण दिया गया है। उस आवरण से पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या रखा है। शेल्टर के ऊपर एक खास तरह का लेप लगाया गया है जहां कोई सैटेलाइट काम नहीं करेगा। सवाल ये खड़ा होता है कि लड़ाकू विमानों के लिए बने शेल्टर में पाकिस्तान क्या रखना चाहता है। माना जा रहा है कि ये शेल्टर परमाणु हथियार रखने के लिए बनाए जा रहे हैं। 28 में से 12 शेल्टर पर ये रहस्यमयी लेप लगाया गया है। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान इन शेल्टर में विमानों की जगह परमाणु हथियार रखेगा ताकि दुश्मन का कोई सैटेलाइट इसकी जासूसी नहीं कर पाए। चीन की भी शायद यही मंशा होगी। इस रनवे के पूर्वी और उत्तर क्षेत्र के अंदर और पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र के अंदर दोनों तरफ 6-6 बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक विमानों के लिए शेल्टर तैयार किए गए हैं जो कि इस प्रकार से बनाए गए हैं कि शायद सैटेलाइट की के अंदर भी उसकी जो है इमेजेस ना आ पाए। साथ ही साथ उनके अंदर अगर चीन की ये मंशा है कि वो अपने H-6 बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है परमाणु बम के साथ में लैस होते हैं उनको परमाणु बम से लैस करके खड़ा करने की है। चीन की एयरफोर्स बेरोक टोक पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान अधिकृत एयरबेस स्कर्दू इसका उदाहरण है। अब भुलारी भी चीन के निशाने पर है। हालांकि भारत हर हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी जमीर के साथ पाकिस्तान की जमीन भी चीन के सामने गिरवी रखी है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिशा साल्यान से जुड़ी हुई। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिशा साल्यान की मौत का सुशांत सिंह राजपूत के मामले से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों केस पूरी तरह से अलग हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा साल्यान पर काम का बहुत दबाव था क्योंकि दफ्तर में उसके साथियों को काफ़ी अच्छे क्लाइंट मिल रहे थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान चल रही थी। पुलिस के मुताबिक दिशा को खुश करने के लिए ही उनके दोस्तों ने पार्टी रखी थी। 9 जून की रात ये पार्टी मुंबई के मालवड़ी इलाके में दिशा के फ्लैट पर हुई थी। पार्टी के दौरान ही दिशा ने लंदन में अपने एक दोस्त से बात की थी। पोस्टमार्टम में हुई देरी पर पुलिस ने सफाई दी और दिशा की मौत के बाद पहले उसकी कोरोना जांच करवाई गई और रिपोर्ट आने के बाद 11 जून को पोस्टमार्टम करवाया गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि सुशांत और दिशा का
केस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा सालियान पर काम का बहुत दबाव था, क्योंकि दफ्तर में उनके साथियों को काफी अच्छे क्लाइंट मिल रहे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान चल रही थी। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है सूत्रों के हवाले से ही, जो खबर मिल रही है कि दिशा की को खुश करने के लिए ही उनके दरअसल दोस्त जो थे उन्होंने वो पार्टी रखी थी। सुशांत केस में पूछताछ के लिए सिद्धार्थ पिठानी भी मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के दोस्त हैं और उन्हें ईडी ने पहले भी पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन सिद्धार्थ पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी ने आज फिर सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया है। सुशांत के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ईडी अब इन आरोपों के साथ साथ ये भी जांच कर रही है कि सुशांत की जो 4 कंपनियां थी उसमें कौन कौन भागीदार था और क्या लेन देन में सिद्धार्थ पिठानी की भी कोई भूमिका थी। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर? जी बिल्कुल, सिद्धार्थ पिठानी कुछ मिनटों पहले ही जो है ईडी के दफ्तर पहुंचे और यहां पर इस वक्त उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी का बयान इस पूरे मामले में सबसे काफी अहम हो सकता है, क्योंकि 150 ड्रीम्स के जो प्रोजेक्ट की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत ने की थी उसमें ही उनकी 4 कंपनियां विविडेट रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इंसेसर विजन प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के साथ साथ उनकी जो पूरे विजन को फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर द वर्ल्ड, ये तीनों ही प्रोजेक्ट जो हैं वो सिद्धार्थ पिठानी के ही क्रिएटिव डायरेक्शन में चल रहे थे, तो लिहाजा इन कंपनियों से जुड़ी हुई सारी जानकारियां प्रवर्तन निदेशालय खंगालना चाहता है। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी इस पूरे प्रोजेक्ट के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, लिहाजा उनके पास जो जानकारियां हैं उसे खंगाला जाना काफी जरूरी है कि आखिरकार इन कंपनीज में भागीदारी किसकी थी। क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे कंपनीज के जो है आइडियोलॉजी जो है किस तरह से डेवलप की जाती थी, कौन होता था जो डिसीजन मेकिंग में शामिल होता था, इन सारी जानकारियों को खंगालना जरूरी है। लिहाजा इस वक्त ईडी के दफ्तर में सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी जो उनकी मैनेजर हैं वो, और साथ ही साथ इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ इस वक्त जारी है। विवेक रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसमें शेल कंपनीज होने का एक अंदेशा जो है वो जांच एजेंसियों के शक के घेरे में है, लिहाजा इसी के मद्देनजर फिलहाल अभी अकेले अकेले इन सभी से बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो प्रवर्तन निदेशालय है वो इन सभी को लेकर एक जॉइंट इंटरोगेशन की तैयारी में है। जी आशीष रैया आप हमारे साथ। वही सुशांत केस में अब रोज नई जानकारियां आ रही हैं। फिलहाल अभी सुशांत केस पे मुंबई में रिया, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस बीच शिवसेना के संजय राउत का दावा है कि सुशांत के अपने पिता से रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि वो पिता की दूसरी शादी से खुश नहीं थे। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया और सुशांत के बीच जमकर झगड़ा हुआ और मारपीट तक हुई। इन सब के बीच अब इस केस में राजनीति भी शुरू हो गई है। राउत के खिलाफ आज पटना में एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई। सुशांत के पिता के सिंह और बहन रानी के बयान आज सीबीआई दर्ज कर सकती है। सीबीआई की टीम कुछ देर में दिल्ली के पास फरीदाबाद जा सकती है, जहां वो सुशांत के पिता और बहन के बयान को दर्ज करेगी। सुशांत के जीजा फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं और सुशांत के पिता अपनी बेटी के घर पर रुके हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि सीबीआई सुशांत के पिता और उनकी बहन का बयान दर्ज करने के लिए फरीदाबाद पहुंच सकती है कुछ ही देर में। बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल सुशांत के पिता के सिंह पटना से फरीदाबाद आके अपनी बेटी के पास ही रह रहे हैं। बहन उनके सुशांत की रानी हैं, जो कि फरीदाबाद में ही रहती हैं। आज सीबीआई सुशांत के पिता और उनकी बहन का बयान दर्ज कर सकती है। वही मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुशांत और रिया के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों के बीच मारपीट तक हो गई थी और इसी के बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था और उसका फोन भी ब्लॉक कर दिया था। बताया जा रहा है ये झगड़ा एक दूसरे के परिवार को लेकर हुआ था।
तो बड़ा झगड़ा वजह बताई जा रही है कि जब रिया सुशांत का घर छोड़कर गई उस वक्त बताया जा रहा है कि उन लोगों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा ऐसा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी, जिसके बाद ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने सुशांत का फोन भी ब्लॉक कर दिया। पर सुशांत का एक और पूर्व कर्मचारी सामने आया है जिन्होंने आरोप लगाया कि रिया ने पुराने स्टाफ को बदल दिया था। उनसे नहीं बात हो पाई, उनसे नहीं कांटेक्ट कर पाया, जो रिया से भी कोशिश की कांटेक्ट करने की, लेकिन उससे मैं कभी मिला नहीं था रिया से। मैं कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा स्टाफ से होता था, कोऑर्डिनेट किया स्टाफ से, तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया कि जो रिया आई है, रिया चक्रवर्ती, तो उन्होंने ये बोला कि जितने पुराने वाले स्टाफ है उनको नहीं लेना, वो अपने हिसाब से स्टाफ भर रही करके। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अब सुशांत के साथ जो उन काम करने वाले थे, जो कर्मचारी थे, वो भी सामने आ रहे हैं और कई बातें कही जा रही हैं, जिसमें से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि रिया ने दरअसल पूरे स्टाफ को बदल दिया। जो बॉडीगार्ड है केवल वही एक बचा था, बाकी सारा स्टाफ जो था वो बदला गया है। और एक कर्मचारी जिसको आप सुन रहे थे, पूर्व कर्मचारी, दरअसल ये सुशांत के घर पर ही पहले काम करता था, उसका आरोप है कि रिया ने पुराने स्टाफ को बदल दिया था, अपने हिसाब के, अपने पसंद के लोगों को घर में काम करने के लिए रिया ने रखा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन उनकी मौत की जांच के नाम पर बिहार और महाराष्ट्र की सरकारों के बीच जारी लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है और अब ये सियासी लड़ाई रिश्तों के पोस्टमार्टम पर उतर आई है। सुशांत की मौत के बाद अब राजनेता उनके और उनके घर वालों के रिश्तों का पोस्टमार्टम करने में लगे हैं। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में के हिसाब से दावा किया है कि सुशांत और उनके पिता के सिंह के रिश्ते बेहद खराब थे। संजय राउत का दावा है कि सुशांत को अपने पिता की दूसरी शादी कभी मंजूर नहीं थी और इसलिए दोनों के बीच कोई भावात्मक रिश्ता ही नहीं बचा था। राउत का आरोप है कि सुशांत के पिता को बरगलाकर बिहार पुलिस ने सुशांत केस में उनसे FIR दर्ज करवाई है। हालांकि संजय राउत के इस आरोपों पर सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि शिवसेना के मुखपत्र सामना और संजय राउत पर मानहानि का केस करेंगे। सर, इस मामले में अब बिहार के कई नेता कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। JDU के सांसद नेता हैं संजय सिंह, उनका कहना है कि संजय राउत जी ने जो छापा है सामना में कि उनके पिता की 2 शादियां हुई, इस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं, बहुत ही नीचे दर्जे के आरोप है और इस तरीके की कोई बातें सामने नहीं आई थी। देखिए, मैंने ये कहा है कि उनके परिवार में भी कुछ अनबन है, जो सुशांत सिंह के जो व्हाट्सएप चैट भी सामने आए, ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, उनके फैमिली की भी बात है। देखिए, पहले दिन से इस मामले में बहुत ही पर्सनलाइज कर दिया कुछ लोगों ने, पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। सुशांत सिंह के कैरेक्टर के बारे में हमने नहीं बात की है, उसके साथ जो 2-4 लड़कियों का नाम आता है एक्ट्रेस, हमने कभी भी शिवसेना की तरफ से या सामना की तरफ से कोई बात नहीं की। कौन है बात करने वाले? ये बिहार से है ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बीजेपी के मुंबई के लोग हैं, तो ये जो मिली भगत चली हमेशा, तो हम बार बार कहते रहे कि देखिए ये आप हाई प्रोफाइल केस बन गया है, आप उसके ऊपर कम से कम चर्चा करो, पुलिस को काम करने दो। आप इनडायरेक्टली पुलिस को आदेश दे रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं बुला रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं बुला रहे हैं? भाई, उनका काम पूरा होने के बाद आप, आपके मन में जो शंका है वो आप व्यक्त कीजिए। आपको जांच का जिम्मा दिया है कि जर्नलिस्ट को, हमको, मेरे को भी नहीं दिया है। आपके पास जानकारी, आप लिखो, बोलो, पुलिस को बताइए, लेकिन आप खुद ही, आप हर व्यक्ति जांच करने लगा इस केस में, कब तक करोगे? मैंने फिर एक बार कहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत ये मुंबई का लड़का है, हमको ज़्यादा शौक और दुख है, हम उसको पहचानते थे, अच्छा कलाकार है, बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा तूफान आया है तो उसने मौत का रास्ता जो चुना है वो गलत है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि मुंबई पुलिस उसको न्याय देगी। सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने शिवसेना नेता संजय राउत के बयान को शर्मनाक बताया और मानहानि का केस करने की धमकी दी।
संजय रावत जी के प्रति हम समझते हैं कि मेरी जो पहले से समझ थी वो उनके प्रति कुछ अच्छा ही था, लेकिन जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहरपनी कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार के एडिटर हैं, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए, उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना मैंने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सड़ा रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुज़ुर्ग आदमी पर इस तरह का मैंने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफ़ी निंदनीय है और ज़रूरत पड़े तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राव जी पर। नीरज बबलू जो सुशांत सिंह के चचेरे भाई भी हैं, वो कह रहे हैं कि जो सामना में छापा गया है सुशांत सिंह के पिता की दो शादियों के बारे में, वो मानहानि का मुकदमा करेंगे, सामना पर करेंगे, संजय राउत पर करेंगे। करने दीजिए, ये केस में इतने तथ्य या अतथ्य सामने आए कि हर एक के ऊपर मानहानि का मुकदमा आपको चलाना पड़ेगा। कीचड़ किसने उठाया है? हमने नहीं उछाला है। मुंबई पुलिस के पास जो स्टेटमेंट्स दर्ज हो रही है उसमें जो जानकारी मुझे मिल रही है, पुलिस तो नहीं दे लेकिन तो लगता है कि जो मिल रही है, तो आपके सब देखने के बाद मुझे लगता है कि आप जरूर करिए मानहानि का मुकदमा। कोई बात नहीं, जरूर करिए। शांत केस में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी गंभीरता से पड़ताल जरूरी है। ये एक बड़ा कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में जब से मोर्चा संभाला है तब से कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन ईडी के रडार पर सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार ही है, क्योंकि सुशांत की मौत के मामले में रिया एक ऐसी कड़ी है जो न सिर्फ उनकी हमरास रही है बल्कि सुशांत के बैंक अकाउंट से जुड़ी तमाम बातों की भी रास्तार रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला इस वक्त देश का सबसे बड़ा मामला बन गया है। देश भर की मीडिया की नजरें इस केस से जुड़ी हर कड़ी पर टिकी हुई हैं। ईडी की पूछताछ में रोजाना चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ईडी की रडार पर इस वक्त जो चेहरे हैं उनमें रिया चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सीए रितेश शाह, सीए संदीप श्रीधर, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, फ्लोर मैनेजर और रिया का करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा, सुशांत और रिया के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी। ये सुशांत की जिंदगी के वो किरदार हैं जिनसे पूछताछ के आधार पर सुशांत केस की कई तहों तक पहुंचा जा सकता है। रिया और उनके परिवार से पूछताछ कर रही ईडी इस सिलसिले में अब सुशांत की कंपनियों को खंगालने में जुट गई है, जिसके बाद कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी चार कंपनियों में दो के पेटेंट कराए थे और उनकी ऐसी ही एक कंपनी विविड रेज रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड में रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी पार्टनर थे। कंपनी बनाए जाने के कुछ दिन बाद रिया के भाई शौविक ने डायरेक्टर की हैसियत से संदीप श्रीधर को कंपनी के ऑडिट का जिम्मा सौंपा। ये वही वक्त था जब सुशांत पूरी तरह डिप्रेशन में थी और कंपनी पर पूरा नियंत्रण शौविक का था। यही नहीं, नवी मुंबई के जिस फ्लैट को इस कंपनी का पता बताया गया है वो रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर दर्ज है, लेकिन जांच करने पर वहां कोई कंपनी नहीं मिली। ऐसे में ईडी को इन शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के फर्जीवाड़े का शक है, जिसके लिए वो छानबीन की तैयारी कर रही है। ईडी के शक की एक वजह नहीं है, ऐसी तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने चक्रवर्ती परिवार पर अपना शिकंजा कसा है और उनसे घंटों पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से प्रवर्तन निदेशालय ने 9 घंटे पूछताछ की थी, जबकि शनिवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से 18 घंटे की पूछताछ की गई। उधर सुशांत केस को लेकर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे इस मामले में सियासत भी तेज होती जा रही है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने इस मामले में शिवसेना पर जोरदार हमला किया है।
संजय रावत जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं। मुझको लगता, पहले लगता था कि ये पढ़े लिखे विद्वान है, तो मुझको लगता है ये डिरेल हो चुके हैं। इनका बुद्धि पर तरस आता है कि इस तरह का भाषा का प्रयोग करना कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी दूसरी शादी किए थे, इसलिए सुशांत सिंह उनसे रिश्ता उनका खराब था। जो बेटा, जवान बेटा मर जाता हो, जवान बेटा को एक बाप अर्थी पर ले जाता हो, आप समझिए वो दुखदायी दिन होगा, कितना खराब दिन था उनके लिए। और इस तरह का भाषा का प्रयोग करना तो लगता है मानसिक रूप से ही बीमार व्यक्ति ही बोल सकता है। दूसरा, जब मुंबई पुलिस जब जांच कर रही थी 60 दिन तक कहां थे, सुप्रीम कोर्ट के 5 दिन के फटकार के बाद भी वो एक्टिव नहीं हुए। जब पटना पुलिस मुंबई जाती है तो बेचैनी बढ़ जाता है इनको। आज देखिए क्या बात है, वहां का मेयर का बयान आता है कि जो सीबीआई अधिकारी आएंगे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए जांच का एक दायरा होता है, तो जांच में ईडी बुलाए, सीबीआई जांच करे तो उनका मामला है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को मुंबई पुलिस की जांच के आधार पर तय करना है कि जांच सही दिशा में है या नहीं। जांच कौन करेगा, यह सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई जांच में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? सीबीआई जांच का आदेश गैर कानूनी है। संजय जी, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना एफिडेविट दिया है जिसमें साफ कहा है कि वो सही जांच कर रही थी, लेकिन परिवार के लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं था, इसलिए हमने बिहार पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। देखिए, एफआईआर आपने दर्ज करवाई है मुंबई में, मुंबई में तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। एफआईआर किसको कहते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये कोई सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, थर्ड फोर्थ नहीं होता है। कानून के जानकार जो है आप उनसे पूछ लीजिए, उस वक्त उनके फैमिली के लोगों को सोच समझकर जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया, वो भी आप देख लीजिए। लगता है उनके पिताजी ने साफ कहा कि सुसाइड है, हमारा किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि उनको भी पूरी जानकारी थी क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है, मुंबई पुलिस के कार्य पद्धति के ऊपर सवाल उठाना यानी पूरे देश का जो पुलिस फोर्स है उसको डिमोरलाइज करना जैसा है। देखिए, पुलिस अपना काम करती है, 40 दिन के बाद आप बिहार में एफआईआर दाखिल करते हो, दूसरे दिन सीबीआई की मांग होती है, उसके बाद चौथे दिन हमारे जो केंद्र सरकार के वकील है वो कहते हैं कि हम सीबीआई को एक केस देने का मन बना लिया है। क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब सिर्फ देश का ही नहीं रहा, अमेरिका में भी जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब वो दिन आएगा जब सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल इस मामले में इंतजार की घड़ी लगातार लंबी होती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रोज कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो उनकी मौत की कहानी को और ज्यादा उलझाता रहा है। अब सुशांत की जिंदगी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन और जीजा के साथ पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त सामने आया जब सुशांत की मौत में तंत्र मंत्र षड्यंत्र की कहानियां भी चर्चा में है। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का एक और वीडियो। सुशांत के घर पर पूजा पाठ की तस्वीरें।
जादू टोने की कहानियों के बीच रुद्राभिषेक का वीडियो। क्या है सुशांत केस से जुड़े इस वीडियो का सच? सुशांत की मौत के बाद अभी तक जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, उनके मुकाबले इस वीडियो की कहानी बहुत कुछ कहती है। सुशांत सिंह राजपूत इस वीडियो में पूजा पाठ करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में सुशांत के साथ उनकी बहन प्रियंका,